हमें राज्यों में लोकल लेवल पर इस व्यवस्था को समझना होगा। इसे कैसे लीगल सिस्टम का हिस्सा बनाया जा सकता है, इस पर काम करना होगा। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो हमने इवनिंग कोर्ट की शुरुआत की थी और देश में पहली इवनिंग कोर्ट की वहां शुरुआत हुई। इवनिंग कोर्ट्स में ज्यादातर ऐसे मामले आते थे जो धाराओं के लिहाज से बहुत कम गंभीर होते थे। लोग भी दिन भर अपना कामकाज निपट करके इन कोर्ट्स में आकर न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करते थे। इससे उनका समय भी बचता था और मामले की सुनवाई भी तेजी से होती थी। इवनिंग कोर्ट्स की वजह से गुजरात में बीते वर्षों में 9 लाख से ज्यादा केसों को सुलझाया गया है। हमने देखा है कि देश में त्वरित न्याय का एक और माध्यम लोक अदालतें भी बनी हैं। कई राज्यों में इसे लेकर बहुत अच्छा काम भी हुआ है। लोक अदालतों के माध्यम से देश में बीते वर्षों में लाखों केसों को सुलझाया गया है। इनसे अदालतों का बोझ भी बहुत कम हुआ है और खास तौर पर गांव में रहने वाले लोगों को, गरीबों को न्याय मिलना भी बहुत आसान हुआ है। साथियों, आप में ज्यादा लोगों के पास संसदीय कार्य मंत्रालय का भी दायित्व होता है, यानी आप सभी कानून बनने की प्रक्रिया से भी काफी करीब से गुजरते हैं। मकसद कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर कानून में ही भ्रम होगा, स्पष्टता का अभाव होगा, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भविष्य में सामान्य नागरिकों को उठाना पड़ता है। कानून की क्लिष्टता, उसकी भाषा ऐसी होती है और उसकी वजह से, कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से सामान्य नागरिकों को बहुत सारा धन खर्च करके न्याय प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है। इसलिए कानून जब सामान्य मानव की समझ में आता है, उसका प्रभाव ही कुछ और होता है। इसलिए कुछ देशों में जब संसद या विधानसभा में कानून का निर्माण होता है तो दो तरह से उसकी तैयारी की जाती है। एक है कानून की परिभाषा में टेक्निकल शब्दों का उपयोग करते हुए उसकी विस्तृत व्याख्या करना, और दूसरा उस भाषा में कानून को लिखना और जो लोक भाषा में लिखना, उस देश के सामान्य मानवी को समझ आए उस रूप में लिखना, मूल कानून के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए लिखना। इसलिए कानून बनाते समय हमारा फोकस होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाए। कुछ देशों में ऐसा भी प्रावधान होता है कि कानून के निर्माण के समय ही यह तय कर दिया जाता है कि वो कानून कब तक प्रभावी रहेगा, यानी एक तरह से कानून के निर्माण के समय ही उसकी उम्र, उसके एक्सपायरी डेट तय कर दी जाती है। कानून 5 साल के लिए है, ये कानून 10 साल के लिए है, तय कर लिया जाता है। जब वो तारीख आती है तो उस कानून की नई परिस्थितियों में फिर से समीक्षा होती है। भारत में भी हमें इसी भावना को लेकर आगे बढ़ना है। ईज ऑफ जस्टिस के लिए कानूनी व्यवस्था में स्थानीय भाषा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं हमारी न्यायपालिका के सामने भी इस विषय को लगातार उठाता रहा हूं। इस दिशा में देश कई बड़े प्रयास भी कर रहा है। किसी भी नागरिक के लिए कानून की भाषा बाधा न बने, हर राज्य इसके लिए भी काम करे, इसके लिए हमें लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट भी चाहिए होगा। और युवाओं के लिए मातृभाषा में एकेडमिक इकोसिस्टम भी बनाना होगा। लॉ से जुड़े कोर्सेज मातृभाषा में हो, हमारे कानून सहज सरल भाषा में लिखे जाएं,
हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण केसेस की डिजिटल लाइब्रेरी स्थानीय भाषा में हो, इसके लिए हमें काम करना होगा। इससे सामान्य मानवीय में कानून को लेकर जानकारी भी बढ़ेगी और भारी भरकम कानूनी शब्दों का डर भी कम होगा। साथियों, जब न्याय व्यवस्था समाज के साथ साथ विस्तार लेती है, आधुनिकता को अंगीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उसमें होती ही है, तो समाज में जो बदलाव आते हैं वो न्याय व्यवस्था में भी दिखते हैं। टेक्नोलॉजी किस तरह से आज न्याय व्यवस्था का भी अभिन्न अंग बन गई है, इसे हमने कोरोना काल में भी देखा है। आज देश में ई कोर्ट्स मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्चुअल हियरिंग और वर्चुअल पेशी जैसी व्यवस्थाएं अब हमारे लीगल सिस्टम का हिस्सा बन रही है। इसके अलावा केस की ई फाइलिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देश में 5G के आने से इन व्यवस्थाओं में और भी तेजी आएगी और बहुत बड़े बदलाव इसके कारण अंतर्निहित है, होने ही वाले हैं। इसलिए हर एक राज्य को इसे ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्थाओं को अपडेट और अपग्रेड करना ही पड़ेगा। हमारी लीगल एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार करना भी हमारी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।